328 पावन स्वरूपां दा मामला थम्मण दा नाम नहीं लै रहा, क्योंकि इस मामले दे विच असल दोषी अड़िके नहीं आ रहे। हुण तुहानू दस दईए कि भाई सतवंत सिंह दे भतीजे भाई सुखविंदर सिंह अगवान ने श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार नूं मंग पत्र दित्ता है। 328 स्वरूपां दे हेराफेरी मामले दे विच मंग पत्र श्री अकाल तख्त साहिब नूं दित्ता गया है। जिक्र खास है कि भाई सतवंत सिंह अगवान के भतीजे भाई सुखविंदर सिंह अगवान मुख प्रबंधक गुरुद्वारा यादेंगर अगवान और बाबा सुखविंदर सिंह मलकपुर मुख प्रबंधक गुरुद्वारा तपस्थान साहब मलकपुर अज सचखंड श्री हरिमंदर साहब श्री अकाल तख्त साहब उत्ते पहुंचे। जिथे उन्होंने अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह नूं मंग पत्र दिता। मुकेश मेहरा की रिपोर्ट के नाल दा टीवी NRI। दास बाबा सुखविंदर सिंह मुख प्रबंधक गुरद्वारा तप स्थान साहब मलकपुर अज भाई सुखविंदर सिंह अगवान मुखी गुरद्वारा यादगारे शहीदां भाई सतवंत सिंह शहीद भाई बेअंत सिंह ते भाई केर सिंह दे स्थान दे मुखी कार सेवा वाले महापुरश बाबा अमरीक सिंह बाबा जोधवीर सिंह बाबा सरवण सिंह सारे एकत्र हो के अज सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी जथेदार श्री अकाल तख्त साहब नूं एक मंग पत्र दिता है कि जो श्रोमणी कमेटी के चंद मुलाजमान ने अपने कुछ माया के हितों वास्ते जो कि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की भेटा सी वह अपनी जेब विच पा के ते श्री गुरु रामदास जी के खजाने दे विच वो माया जमा नहीं कराई उन्हां दोषियों नूं गुरु साहब की बेअदबी करन वाले उन्हां दोषी मुलाजमान नूं सख्त तो सख्त सजावां दित्तियां जाण और सिंह साहब इस दे उपर कोई सख्त फैसला लैन तां कि अजिही कुछ ही हरकत अगे तो आने वाले समय दे विच किसे दी वी करन दी जुरत जां हिया ना पवे। वाहिगुरू जी का खालसा बुलाउंदे जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दास भाई सुखविंदर सिंह अगवान गुरद्वारा यादगारे शहीदां शहीद भाई सतवंत सिंह शहीद भाई बेअंत सिंह शहीद भाई केर सिंह दे अस्थान दे मुख सेवादार होण दे नाते अज आपां मीरी पीरी दे मालक तख्तां ताजां दे मालक श्री गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज दे तख्त ते उस तख्त साहिब दे जथेदार साहब सिंह साहिब ज्ञानी हरप्रीत सिंह नूं मिलण वास्ते आए सी। जो मेन इस वेले विश्व दे विच जो पूरे समुचे सिख भारत दे विच जिन्हें गुरु नानक नाम लेवा सिख संगतां गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ते श्रद्धा भावना रखदियां ने जो 328 सरूप का मसला सी उस मसले वास्ते अज आपां अचेचे तौर ते सिंह साहब नूं मिलण वास्ते आए सी। मेरे नाल बाबा सुखविंदर सिंह जी मलकपुर वाले बाबा अमरीक सिंह जी कार सेवा वाले बाबा जोधवीर सिंह जी जिहड़े आपां समुचे रूप दे विच संगत रूप विच अज श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार साहब नूं मिलण वास्ते आए सी। मेन साडा एजेंडा सी जो 328 सरूप ने जिहड़े भी श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दे विच तायनात अधिकारी सी उस समय दे जिहड़ी इन्हां ने घटना की वो एक बहुत मंदभागी घटना सी। आपां श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार साहब नूं ये बेनती करना सी जो श्री अकाल तख्त साहिब दा तख्त आ वो सर्वोच्चम तख्त आ जिहड़ी दुनियावी अदालत आ वो साडी श्री अकाल तख्त साहिब आ क्योंकि हरेक सिख श्री अकाल तख्त साहिब नूं समर्पित आ। सानू जो दूसरी अदालत मानदे ने जिहड़े जिद्दां दिल्ली दी कहिंदे ने सुप्रीम हाई कोर्ट उहनां ते सानू विश्वास नहीं क्योंकि जदों जून 1984 नूं श्री अकाल तख्त साहिब ढह ढेरी कीता उस समय दी कांग्रेस सरकार ने उस जुल्म नूं ना सहारदे होए फिर सिंघां ने बदला लिया। जबे बाण लग गयो तबे रोस जागयो फकरे कौम शहीद भाई सतवंत सिंह शहीद भाई बेअंत सिंह शहीद भाई केर सिंह ने उहदा बदला लिया क्योंकि सानू देश दी जिहड़ी न्याय प्रणाली आ उहदे ते सानू विश्वास नहीं। इन्हां ने 84 वाले जिन्ने कातल सी उन्हां नूं बरी कीता उस तो बाद बेअंत बुचड़े दी सरकार आई पंजाब दे विच उन्हां अनेक सिंह सिंघणियां दा खून डोलिया उस तो बाद अलवारस लाशां दा जो बीड़ा भाई साहब भाई जसवंत सिंह जी खालड़ा जिन्हां ने 25,000 लाशां दा बीड़ा चुकिया सी उसका भी कुछ नहीं बन दिता। सानू ना पंजाब पुलिस ते विश्वास आ ना सानू जिहड़ा कानून है उस ते विश्वास आ। सो आपां गुरु रामदास महाराज दे चरणां 'च अरदास करिए जिहड़े भी सिंह इस वेले जो संघर्ष विढ के बैठे ने वह तरीका उहदा गलत आ क्योंकि अपनी लड़ाई दोषी जिन्ने भी उहनां नूं फड़ के अंदर उहनां ते सख्त तो सख्त श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार साहिब इहो जी
मसाली जिहड़ी सजावां ने ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮਨਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਹੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਾ ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤਖਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਹੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਵਧੀਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀ ਜੋ ਸਿੱਖ ਪੰਥ 'ਚ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਲਹਿਰ ਆ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਲੜ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਜਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।